बात है, मेरा बहुत सारे आदमी मेरे को फोन करके बोलते दादा आप लोग इतना बड़ा बीडर आप बात करते इतना अच्छा से। अरे ऐसा बात नहीं, हम बीडर भी है पहले तो इंसान है, कोई काट भी रहे हैं अभी। अरे 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 छोड़ रहे छोड़ रहे, पीना क्या दे रहे किस तरह क्या कर रहे आप कुलू का सिक्को। तो ये सब कमिंग ईयर में बैठ जाएगा, मतलब इस साल में बैठ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में इस साल बात रेडी है, 2 साल हो जाएगा। डीएनए करके लिया नहीं, डीएनए नहीं कर रहे हम कुछ बात उठे। नया मेहमान मेरा घर का, आप बास मत पहले, आप दूसरा कोई बिजनेस कीजिए, दूसरा कोई आप अपना शौक तो इसमें आपको प्यार चाहिए, इसमें आपको प्यार चाहिए। सही नहीं है फ्रेंड, ये मेंटेलिटी सही नहीं है। अरे बास का प्राइस कम हो गया, आप बेच देंगे उसका बात निकल जाएगा। और अविनाश दा का बोला है मेरे को येलो गोल्डन दे दूंगा, इधर से मेरे भाई को इधर से मैं 2 येलो गोल्डन इधर से दे दूंगा। आ गया सिल्वर का बच्चा निकल गया। मेरा मोटिवेशन है जावा, जावा से मैंने उठा, जावा से ब्लैड वॉर्म दे देते हैं जो किस में हम देते हैं ना, ब्लैड वॉर्म देख लीजिए। रहेगा मेरा मेडिसिन का, हम कोशिश करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के लिए, उसमें 600 से 500 जगह में आप खोल दिया है लाभ का बॉक्स ले लिए कभी। हाँ इसका वजह क्या है? इसका वजह है हम इस टाइम में बिल्डर लेते जाएंगे तो एक्सपायर हो जाएगा। और ये तो एक छोटा सा बार से कितना टाइम आपको देगा? हाँ जितना दे सकते हो उसको ऊपर छोड़ दीजिए और ठीक देगा। हाँ आप से लीडर ऑफिसर है और कुछ उस एलविन घर मार का मेरे को पैसा चाहिए, तो इसलिए हमेशा उसको बच्चा नहीं उठाएंगे हम, तो उनको भी देखना पड़ेगा। हम दुआ दे रहे सब बात ब्रीडिंग करेगा। और मेरे से घर का है, लूट ऑफिसर घर का है, और वायलेट बॉक्स का घर का है, और रिलेशन दे जाएगा है, बिजनेस करेगा, बिजनेस है बहुत अच्छा लड़का है अभी ना, जैसे इसके बारे में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हम गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आज मानसा का सेटअप पे। आज मेयर गोपाल मानसा के उधर जाएंगे, उनका जो कुलूर का प्रोग्रेस आया था वो कवर करने के लिए जाएंगे। हम बोला था वह मैंने कमिटमेंट किया था आप लोगों से जो कुलूर का प्रोग्रेस देखेंगे, और उसके साथ गोल्डन फिंच जावा लाभ भाग उनका भी प्रोग्रेस देखेंगे, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जाते हैं मानसा का उधर, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड, मानसा को मैंने 5 पेयर गोल्डन फिंच बोल के रखा था, कुछ गोल्डन फिंच भी मानसा ने रखा है मेरे लिए, तो जाएंगे देखेंगे और उनको ले आएंगे मेरा सेटअप पे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट बने रहे वीडियो के साथ फ्रेंड्स, और चलिए मिलते हैं मानसा का सेटअप। तो बस बस तो काफ़ी दूर है, अजयनगर है, बाईपास से जाना पड़ेगा, 1 घंटा लगेगा जाने के लिए, तो हेलमेट पहन लेते हैं, ठीक है चलो गोबर। मतलब फ्रेंड्स 10,000 सब्सक्राइबर हुआ है, वही सेलिब्रेशन हो रहा है मानव दा के साथ। देखिए मानव दा ने मतलब हर दिन मतलब जब भी आते हैं तभी कुछ ना कुछ नाश्ते वगैरह मानव दा बंदोबस्त करते, तो अभी क्या करेंगे दादा है अभी। नहीं ऐसा बात नहीं है, तो खाना तो कुछ तो खाना पड़ेगा। हाँ आज कभी स्पेशल मतलब भाभी जी ने खुद पका के दिया है, ठीक है, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर है वही सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है। 10,000 मैक्सिमम आदमी क्या करता है, अच्छा वीडियो को चूज कीजिए, उसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उल्टा सीधा वीडियो में मत जाइए। और सच चीज़ में जो सच बोलता है, जो पापा बोलता है, अच्छा चीज़ देखिए, अच्छा में लाइक कीजिए। फेक बहुत सारा जगह में फेक फैल गया, फेक में मत जाइए, रियल चीज़ में पकड़ लीजिए, बस वही है। थैंक यू दादा, आपने इतना बड़ा तारीफ किया, थैंक यू दादा, थैंक यू फ्रेंड्स सब्सक्राइबर करने के लिए और इन्हें सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सबको वेलकम करते हैं मानव जगह साथ, मानव जगह फार्म पे। तो काफ़ी सारा बार्स दिखाना है, काफ़ी सारा प्रोग्रेस दिखाना है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, लेकिन उससे पहले मानव दा और एक प्लेटफॉर्म है, मतलब मानव दा काफ़ी बड़ा आर्टिस्ट है, पेंटर है, तो काफ़ी सारा एग्जीबिशन में हुआ है कलकत्ता में इस साल, और काफ़ी सारा एग्जीबिशन अभी भी चल रहा है मानव दा का, काफ़ी सारा नया पेंटिंग मानव दा ने बनाया है, एग्जीबिशन में भेजा था। और मेरा काफ़ी बैड लक है जो किसी भी एग्जीबिशन में मैं जा नहीं पाया, ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, मतलब आ गया था, मैं कोई भी एग्जीबिशन फ्रेंड्स अटेंड नहीं कर पाया। और पेंटिंग मुझे काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी पेंटिंग का स्टूडेंट था, थोड़ा बहुत सीखा था, उस हिसाब से पेंटिंग मुझे काफ़ी पसंद आता है। और मानव दा का पेंटिंग ऑसम पेंटिंग है फ्रेंड्स, आप लोग का मैंने शेयर किया था। जो लोग मेरा
फार्म विजिट करते हैं उन लोगों को तो पेंटिंग में देखा नहीं सकता, वो मेरा फेसबुक जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा फेसबुक से उन लोगों का मेरा पेंटिंग का टोटल सब देख पाएंगे। मेरा लगातार जो एग्जीबिशन होते जा रही है और एग्जीबिशन अभी चल रहा है, अब कल तक मेरे आर्ट गैलरी में अभी एग्जीबिशन चल रहा है अब तो संडे तक, तो जो मेरा फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं उसको अल्टरमेरा एग्जीबिशन में जाकर उसको एग्जीबिशन मेरा पेंटिंग देख पाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पेंटिंग आपका फेसबुक का थोड़ा आईडी बता दीजिए तो अच्छा होगा। मेरा मानस मंडल जाकर मेरा फेसबुक और सर्च कीजिए खुल जाएगा। उसमें जितना भी लेटेस्ट पेंटिंग अभी भी मेरा एग्जीबिशन में गया है वो सब दिया था। और कौन सा एग्जीबिशन अभी हुआ है बाप ने कंप्लीट किया वो सभी लगातार कंटिन्यू। अब तो मेरा बार्स का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और वेदर भी इतना ख़राब है, ये मेरे को इधर 100% देना पड़ रहा है फिर भी मेरे को 200% दे रहा है मेरा एग्जीबिशन में, क्योंकि लगातार एग्जीबिशन बैक टू बैक एग्जीबिशन होता जा रही है। अभी तो एक टाइम है ना एग्जीबिशन का, एक टाइम नहीं होता है। और एक्चुअली तो मेरा थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप एग्जीबिशन था, थोड़ा सा इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहा है, कलकत्ता से आदमी मतलब मैं सिलेक्टेड। अच्छा कुछ पिक्चर है ठीक है, कुछ पिक्चर दादा मुझसे शेयर करते हैं, कुछ पिक्चर है वो पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ कि दादा कौन सा लेवल पे जाके एग्जीबिशन करते हैं, अपना पेंटिंग को भेजते हैं, कौन सा लेवल का दादा आर्टिस्ट है वो आपको पहले थोड़ा शेयर कर लेते हैं। जगह पे दादा ने परफॉर्म किया है, दादा का पेंटिंग भेजा था ठीक है। और मेरा एकदम घर का बगल में नजरुल तीर्थ वो मेरा एकदम काफ़ी करीब था, तो वो एग्जीबिशन में मेरे जाने का काफ़ी चांसेस था, लेकिन उसी दिन पे मेरा आपका मतलब ट्रीटमेंट के लिए मैं अपॉइंटमेंट पर गया था डॉक्टर के साथ, इसलिए मैं जा नहीं पाया। कभी मतलब क्या बोले बैड लक है मेरा, लेकिन कमिटमेंट करते हैं नेक्स्ट साल पे हर एक एग्जीबिशन में हम जाएंगे, दादा का मतलब लाइव परफॉर्मेंस हम लोग कवर करेंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग भी कभी इंजॉय करेंगे दादा का जितना भी पेंटिंग है बात जितना भी क्रिएटिविटी है सब कुछ आप लोग इंजॉय करेंगे। हाँ बहुत सारा बच्चे लोग बड़ा लोग मेरे से पेंटिंग सीखता है और मैं पेंटिंग सेल करता हूँ, जैसे मैं पेंटिंग सेल करता हूँ किसी का ऑर्डर का काम है, जैसा कर पोर्ट्रेट बनाना किसी कोई भी बनाना, अपना घर का पेंटिंग बनाना और किसी बड़ा आदमी का पेंटिंग बनाना, किसी बुजुर्ग का पेंटिंग बनाना, वो सब ऑर्डर मेरे से इधर से आता है और मैं सेल भी करता हूँ इधर से, बहुत काम का मेरा बहुत काम का पैसा रहता है और जितना मेरा काम का पैसा रहता है उतना मैं प्यार करता हूँ अपना बार्ड से। तो और बार्ड ब्रीडिंग फार्म को अगर आप इंटरनली कनेक्ट करेंगे तो दोनों में मतलब सिमिलर है, पेशेंस काफ़ी लॉन्ग टाइम, पेशेंस काफ़ी लॉन्ग टाइम, प्रैक्टिस हैबिट वो सब जो पेंटिंग में लगता है, क्योंकि पेंट इतना बड़ा पेंटर होने में काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ा काफ़ी साल उसको लेके मतलब क्या बोलेंगे उसको लेके पूजा करना पड़ा है, पेशेंस रखना पड़ा है, क्रिएटिविटी माइंड को रखना पड़ा, अपना सेंस को सेंस ऑफ ह्यूमर बोलिए उनको इम्प्रूव करना पड़ा, तभी जाके इतना बड़ा पेंटर हुआ है। आज इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन हो रहा है मानस दा का, तो छोटा मोटा पेंटर नहीं है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो वो लेवल पे आने के लिए कितना बड़ा मेहनत कितना पेशेंस कितना लॉन्ग टाइम एफर्ट देना पड़ रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है। और सेम बार्ड ब्रीडिंग फील्ड में जो फार्म मैंने पिछले भी कवर किया था तो आपने देखा कितना सारा बार्ड्स का हर एक प्यार के इंडिविजुअली प्रोग्रेस लेता है, काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस चल रहा है हर एक प्यार का, 200 अराउंड प्यार है सबका प्रोग्रेस सबका लेना, और इनका इंडिविजुअल कितना मेहनत होता है एफर्ट होता है ये हम सभी को पता है, तो दोनों में यही सिमिलर है और इसीलिए शायद आज बार्ड ब्रीडिंग फार्म में एक सक्सेस फिगर आपके सामने खड़ा है। ऐसा बात नहीं है अविनाश भाई बहुत मेरे से मेरे तारीफ कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, तो करते करते हो जाएगा, नहीं तो तारीफ का हकदार हो। एक्चुअली इनका 10,000 व्यूअर्स हो गया, इसे मैं कॉन्ग्रेचुलेशन जाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया है, आप लोग बना रहिए और यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कीजिए, और मेरे से जो कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो मेरा पर्सनल नंबर हम साथ शेयर कर रहे हैं, हाँ उसको कॉन्टैक्ट कीजिए, हाँ प्लीज़ मैं आप पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, क्योंकि अविनाश भाई काम में रहता है बहुत बिजी रहता है, उन लोग आप लोग जाकर उसमें फोन से बात 3023-7949 वही मेरा नंबर है। और एक बार हम फिर से बोलेंगे और हम अलग अलग पार्ट में मेरा जो वीडियो आएगा उसमें और इंडिविजुअली बोलेंगे,
ठीक है फिर से हम बोलेंगे, और एक बार मैं बोल देता हूँ, मेरा नंबर है 9830237949। यही मेरा ये वोडाफोन नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, इसमें मेरे को फ़ोन कीजिए। फ़ोन करना है रात 10 के बाद कीजिए, सुबह में दोपहर 2 का 3 बजे का बात कीजिए, सुबह में मत कीजिए, उसमें हम बाथरूम में रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। देखिए एक्चुअली हर एक डिस्क्रिप्शन में पिछले जितने वीडियो हुआ है, हर एक डिस्क्रिप्शन में मानव का नंबर है, इस वीडियो का हर एक पार्ट में भी नंबर रहेगा। लेकिन देखिए नंबर बोलना ये डिस्टर्बेंस नहीं है मानव का, लेकिन क्या बोली जब कुछ फ्रेंड ऐसा है जो बोलते हैं मानव का नंबर दीजिए, मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में है ले लीजिए, फिर बोलते हैं मानव का नंबर लग नहीं रहा है, नंबर दा का फ़ोन उठा नहीं रहा है। अभी मानव दा क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, कौन सा पोजिशन में मैं उधर के बैठ के कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है ना, बाथरूम खाना दे रहे, हाँ गेट खुला हुआ है, फ़ोन बाहर में रखा हुआ है, बाज रहे, हम आकर नहीं उठा नहीं सकते। तो है तो हम तो फ़ोन लेके बैठा नहीं रहता फ़ोन के सामने। वो लोग समझते हैं ना कोई मेरा घर में फ़ोन रिसीव नहीं करता, ऐसा कोई बात नहीं, हम सबको फ़ोन उठाते, सबसे बात करते, जो मेरे से एक बार लेता है हम उससे भी बात करते, जो मेरे से फॉर्म बनाया हम उससे भी बात करते, हम सबको इम्पोर्टेंस देते इस लाइन में। चलिए अब लोग नंबर देते हैं, मैं कभी कभी का फैन बोलता था कोई तो नंबर नहीं देता, आप नंबर देते, ठीक है मैं नंबर देता हूँ आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने के लिए, आप लोगों का सवाल अटेंड करने के लिए, मुझे जो जानकारी होता है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनवांटेड अननेसेसरी सवाल है वो आप लोग करेंगे। जो बात का पिक्चर भेज दिया दादा मेल है या फीमेल है बताइए, ये कोई सवाल नहीं है फैन, मेरा बात क्यों नहीं एक दे रहा है, ये कोई सवाल मतलब इस तरह का तरीका। आप मंथली कितना इनकम करते हैं, अरे मैं कितना इनकम करता हूँ इससे आपका क्या फ़ायदा है, मैं इनकम आप लेने वाले नहीं, आपको मैं दे नहीं पाऊंगा तो जानकर आपको क्या फ़ायदा है, मेरा मंथली इनकम क्या है, तो आप कर पाएंगे, आपको इनकम बहुत ज़्यादा आएगा, आप पेशेंस रखिए, बात को ठीक से करिए, पेशेंस रखिए, आपको इनकम आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये तो नेचुरल चीज़ है ना, ये तो फर्स्ट सेशन में मत आइए, तो उन लोगों के पास इतना बाट से, हमारे पास इतना कम है, हम कैसे कितना जल्दी कर पाएंगे, जल्दबाजी मत कहिए, बच्चा सा बाट्स खरीदिए, पट्टा बाट्स खरीदिए, बुरा बाट्स मत खरीदिए, हाथ से बाट्स मत उठाइए, बिगड़ से घर से बाट उठाइए, दो पैसा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसमें से मत जाइए, आपका एक बार मरना शुरू करेगा तो सब मर जाएगा। अभी लाभ बाट्स का बहुत खराब सीजन चल रहा है, तो बी केयरफुल फ्रेंड्स, बाट खरीदना है सोच समझ के खरीद, आपका मेहनत का पैसा है, सोच समझ के खरीदिए, बिगड़ से घर से खरीदिए, एक एक बार आपके लिए ठीक रहेगा। अभी ये जो सीजन चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा एक्टिव होता है, एकदम सबसे जगह खराब टाइम चल रहा है। बाद मत खरीदे, जिसका जगह आप जानते नहीं है मत खरीदे, वो भी ठीक है, लेकिन धीरे से खरीदेंगे, देख के खरीदे फिर, क्योंकि आपका स्टार्टिंग आपका एंड ना हो जाए, एकदम इसलिए बहुत मेरे को फ़ोन करते हैं ना भैया, मेरे पापा का ऐसा हालत है, मेरे को ऐसा हालत है, मेरे पास इतना पैसा है, हम कैसे करके हम अर्न करेंगे फैमिली के लिए, कभी उम्मीद से बहुत उम्मीद लगाकर मेरे को फ़ोन करता है। मैं उन लोगों को मैं गाइड करता हूँ पर्सनली, रात 1 बजे 12 बजे का मेरा फ़ोन करता है, फिर भी मैं काटता नहीं हूँ, क्योंकि उन लोगों का ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, वो कैसे करके खड़ा हो पाएगा। हम कोशिश करते हैं, मेरा घर का बाट्स हम दे देंगे, घर बाट्स तो बहुत सारे आदमी के पास रहता है, लेकिन बाट्स देने के बाद हम उसको कवर करते हो, कैसे करके खड़ा पाएंगे, कैसे करके उसको हम करना। हम एक 10,000 20,000 25,000 का बाट्स खरीद लिया, वो बात नहीं है, बाट्स तो सबके पास रहता है, सब सेल करता है, लेकिन हम उसको कवर कराते हैं, उसको देखते हैं, जो वो बाट्स लेकर उसको सब बाट्स ठीक ठाक है क्या नहीं, बाट्स का प्रोग्रेस भी हम चेक करा देते हैं, उसको मेल फीमेल को ठीक कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना सकता है हम उसको अच्छे तरह से ब्रीडिंग करें, उसका पैसा जाया नहीं जाए, पैसा सबका मेहनत का होता है, पैसा जाया नहीं जाना चाहिए। हम बहुत मेहनत करते हैं इस जगह में आ जाया, भाई बहुत मेहनत कर रहा है, अभी बहुत अच्छा ब्रीडिंग कर रहा है, अभी बहुत अच्छा ब्रीडिंग, इस साल में बहुत अच्छा ब्रीडिंग किया, बहुत मेहनत का फल उसको मिल रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका मेहनत का फल मेरे को मिल रहा है, लेकिन इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को भी अच्छा हो, आप लोग भी अच्छा हो सही, लेकिन बात का आपको थोड़ा सा पेशेंस लगना चाहिए। आप मेरे से एडल्ट बात मांगते हैं, बहुत सारे आदमी मेरे को भैया मेरे को रेडीमेड चाहिए, 10-15 डेज का अंदर मेरे को एक ले करना है बाट्स को, मत कीजिए, सब खत्म हो जाएगा आपका। पट्टा खरीद लिए, बच्चा खरीदिए, पट्टा खरीदिए, बिगड़ से घर से खरीदिए, बाहर से मत खरीदिए, मत खरीदिए, हम बोल रहे फिर से देखिए, हाथ से मत उठाइए। और एक बात, बहुत सारा जाम सुधर रहता है, बहुत सारा घर का अनब्रिड और अनसक्सेसफुल बाट उधर जाता है। एडल्ट बाट्स मत खरीदिए, एडल्ट बाट्स किसी का एडल्ट बाट्स आपको ब्रीडिंग में नहीं करेगा, 90% कम चांस है उसमें। पाठा खरीदिए, बच्चा खरीदिए, आराम से रहिए, पेशेंस रखिए, ऑनेस्ट रहिए, काम कीजिए ठीक से, बाट्स के ऊपर मेहनत कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा।
और मेरा तो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कोई प्रॉब्लम है हम कोशिश करेंगे, जो मेरे से बात लेता है और इन फ्यूचर लेंगे हम उसको जरूर बता देंगे कैसा क्या क्या करना है। दो दो मेन चीज़ है फ्रेंड्स इस फील्ड पे, अगर आपको सक्सेस होना है जो दादा ने एक बोला, ऑनेस्ट रहिए और दिल से प्यार, मतलब दिल में प्यार रखिए, मतलब उसको सबके लिए पहले से मत सोचिए हम उसको जितना आन करें, पहले से सोचिए हम उसको कैसे प्यार करें कि कैसे करके उसको रखे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छा उसको रख पाए उसमें, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बड़ा होता जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको टोटल वेदर मेंटेन करे, उसको फूड एवरीथिंग उसको ख्याल रखे। ब्रीडिंग आपको आना ही है, होगा ही कम ज़्यादा, कम अगर है तो आपको ज़्यादा धीरे धीरे सीख जाएंगे, हाँ हो जाएगा सब कुछ, लेकिन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड 10 साल से बार्ड ब्रीडिंग फार्म बिल्डअप करे, 10 साल से इतना सारा बांस को ब्रीडिंग कर रहे, एक एक जो बात बोला एक्सपीरियंस से बोला है, ठीक है, आप लोग का दिल रखने के लिए बात, किसी का दिल बनाने के लिए बोला है, जो प्रैक्टिकल है जो सच बात है यही आप लोग का शेयर किया है। अभी आप लोग माने या ना माने आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन इस वे अगर आप चलेंगे जो मानुष अगर सक्सेस हुआ है, मैं भी थोड़ा बहुत अगर सक्सेस मिल रहा है तो आप लोग को भी सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली। इसी विश्वास के साथ इसी भरोसे के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, सब कुछ प्रोग्रेस चेक करेंगे और देखिए मानुष दा कौन एक्सपीरियंस है, इतना कॉन्फिडेंट, इतना सारा जो बात कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे क्यों बोल रहे, ये अभी आपको प्रूफ करेंगे इनका जितना भी बात है प्रोग्रेस है वो दिखा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कभी सारा लोग को बोल रहे कभी सारा बात बोल दिया कुछ नहीं दिखाया, कभी सारा फ्रेंड है नया फ्रेंड, उनको बोलेंगे पेशेंस रखिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रेस में जाएंगे, कुनू का प्रोग्रेस देखेंगे, लाभबर्ड का प्रोग्रेस देखेंगे, फिंच गोल्डन फिंच जावा और दादा ने एक शांतनु प्यार भी लेके आए हैं वो भी देखेंगे। और एक चीज़ बोलेंगे फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही आज इतना बड़ा बड़ा इंसान से मैं मिल पा रहा हूँ, आप आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ही मुझे वो जगह बना के दिया है जिसके वजह से मैं इतना सारा लोगों के पास जा पा रहा हूँ। और सिर्फ एज ए प्रोफेशनल कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स, मतलब फैमिली रिलेशन बन जा रहा है, मानुष दा अभी मेरे लिए भैया की तरह है, फ़ोन करते हैं पर्सनली, बातचीत होता है पर्सनली, हम लोग अपना दूसरा का बात करते हैं, हलचल पूछते हैं, तो इतना फैमिलियर हो गया है, इतना अच्छा रिलेशन हो गया इतना सारा लोगों से, तो ये सब में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों के सबको मैं धन्यवाद करता हूँ इतना सपोर्ट के लिए, इतना प्यार के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मनोज दा को भी थैंक यू बोल लूँगा जब मुझे फर्स्ट टाइम आप एलो करते, आपने जो बोला 10,000 सब्सक्राइबर हो गया है, इनके पीछे आपका भी कभी कंट्रीब्यूशन है, आप अपने सेटअप पे मुझे अलाउ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जो फ्रेंड लोग पसंद करते हैं, उन लोगों का जरूरत होता है, इसके वजह से भी सब्सक्राइबर बोली बात 10,000 जो हुआ है, आपका भी कभी कंट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रोग्रेस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।